हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस. माय नेम इज़ बारका मिर्जा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ विद द सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड टुडे विल बी डीलिंग विद द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बेनिफिशियल होने वाला है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन. विच एग्जामिनेशन? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडीए. मैं इन दोनों एग्जामिनेशन की बात क्यों कर रही हूँ गाइज? क्योंकि सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडीए का जो मेंस वाला पोर्शन है, बेसिकली जितने भी सारे सब्जेक्ट सेबी में है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी मेंस, वो सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको पीएफआरडीए में भी दिया हुआ है. एक अलग सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू पेंशन फंड. तो सारी क्लासेस जो है हमारे सेबी के लिए या फिर पीएफआरडीए के लिए हमारी क्लासेस होने वाली हैं, एमसीक्यू सेशंस होने वाले हैं. सो इफ़ यू वांटेड टू रिव्यू आवर कोर्सेज, हमारे कोर्सेज को आप रिव्यू कर सकते हो, जहाँ पे आपको जितनी भी सारी क्लासेस हो रही हैं एमसीक्यू क्लासेस, उसकी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको मॉड्यूल वाइज कोर्सेज मिल जाएंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी या फिर पेंशन रिलेटेड, पेंशन फंड से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वीडियो क्लासेस चाहिए, तो हर एक चीज अवेलेबल है हमारे पास गाइज. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करोगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडीए का कॉम्बो कोर्स लेते हो तो वहां पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाता है कि 10% का डिस्काउंट कूपन अभी अवेलेबल है. फिलहाल 10% का डिस्काउंट चल रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी प्लस पीएफआरडीए का कॉम्बो कोर्स. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट आवर कोर्सेज एंड आफ्टर चेकिंग इट गो एंड अवेल इट आउट. ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. हम अपने एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेशन, ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है गाइस. जैसे एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. स्टेटमेंट को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके कोड्स को देखना है, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ठीक है, पहला स्टेटमेंट, जॉब इवैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग are one and the same for employees' appraisal purposes. Codes are given below. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. B, statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. C, both the statements are correct, या फिर both the statements is incorrect. तो कौन सा जो आंसर है इसमें जो है वो करेक्ट होने वाला है? If we talk about job evaluation, तो job evaluation basically क्या हो जाता है कि किसी भी जॉब की वैल्यू क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट इवैल्यूएशन, जॉब की वर्थ क्या है या फिर उसकी वैल्यू क्या है. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉय के स्किल के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब होते हैं. तो जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि असेस करता है दी वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर जॉब्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग्स आर सेम एंड द सेम फॉर एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पसेस. तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग्स, आई होप आप लोगों को जॉब रेटिंग के बारे में पता होगा कि जॉब रेटिंग क्या है. मान लो 10 में से आपको 7 मिला या 5 मिला या 8 मिला या 9, तो दैट इज जॉब रेटिंग. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सेज जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग आर वन एंड द सेम फॉर एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पसेस. तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन? ओके, जब हम जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना गाइज, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखने से पहले जॉब की वैल्यू क्या है उस चीज़ को निकाला जाता है, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. तो वैसे ही अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स इस तरह से डिफाइन किया जाता है, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. इट इज अ टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ए जॉब, की एक जॉब, इस जॉब की वैल्यू क्या है, उस जॉब की वैल्यू क्या है, उसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज को उस पर डिफाइन प्लेस में रखेंगे. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ओके, आप लोगों ने देख लिया होगा, बट कोई बात नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग, क्या जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग सेम है? नो, इट इज टोटली डिफरेंट. जॉब इवैल्यूएशन मतलब मैंने आपको कहा कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उस जॉब में रखने से पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज जॉब इवैल्यूएशन, है ना। जॉब रेटिंग्स क्या हो गया, रेट देना किसी को। दे आर नॉट वन एंड दी सेम फॉर एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, दैट इज स्टेटमेंट ए। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्या है आंसर, अ जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स इन एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए गाइस, सेशन को क्या करना है, आपने शेयर करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे सेशन को देखेंगे। सो ट्राई टू शेयर दिस सेशन जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा। अब बस शेयर कर दो मेरे लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर ऑफ डैश एंड देयर एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ डैश। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, आर्ट साइंस, बी साइंस आर्ट, सी आर्ट डिसिप्लिन, डी डिसिप्लिन साइंस, या फिर ई नन ऑफ द अबव। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होगे तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज अ साइंस और अ प्रोफेशन। अगर आपको वो चीज याद होगी तो आप इजिली यहाँ पे आंसर दे सकते हो। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब क्या हो गया, द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम अ सोर्स और अ ओरिजिन, दैट इज डेरिवेशन। जब हम डेरिवेशन की बात करते हैं ना, तो डेरिवेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन, इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। जब हम डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो इट इज बेसिकली डिराइव्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ, एक वीडियो लेक्चर ले रही हूँ ना, तो वीडियो लेक्चर हम कैसे ले रहे हैं, जब सिस्टमैटिकली एक हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके थ्रू हम अपने घर वालों से वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम वीडियो लेक्चर्स जैसे कि हम ले रहे हैं, कैमराज अवेलेबल है हमारे पास। तो इसके पीछे क्या किया गया है, कोई थियोरी होगी, कोई स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे वो लोग, ऑब्जर्वेशन किए होंगे, उसके बाद जो है ये चीज़ टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर निकल कर आई, है ना। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर ऑफ साइंस, यस it is a matter of science, and when we talk about their application, जब हम application की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बात आ जाती है applicability in the sense कि हर एक इंसान का जो nature होता है ना, वो change होते रहता है। मशीन्स चेंज नहीं होते, बट इंसान का जो नेचर है, ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। अपनी अलग अलग एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है, उसका अलग परसेप्शन होता है। तो एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ आर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज बी। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर ऑफ साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन करके, अपने पास एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके फिर हम उस टेक्नोलॉजी को बाहर करते हैं। एंड साइंस के नॉट चेंजेस, जो चीज हो चुका है वो हो गया है, साइंस में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। बट जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टाइल की बात हो रही है, उसकी परसेप्शन की बात हो रही है, यहाँ पर आर्ट की बात हो रही है। इंसान के अंदर अपनी अपनी हर एक की एक अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज बी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंसेस, हेंस दे आर द मैटर ऑफ साइंस, व्हाइल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्टाइल, उसके परसेप्शन अलग है, हेंस देयर एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ आर्ट। आर्ट कोई भी कला आपके अंदर हो, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर कुछ भी ले लो, कुकिंग, प्लेइंग गेम्स, अदर टेक्निक से आप गेम्स खेलते हो, दैट इज आर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ डैश। ऑप्शंस आर ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी, बी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, सी इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डी वी हैव एनवायरमेंट एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, या फिर ई नन ऑफ दी अबव। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर आपको एक लीडर देखने को मिलता है। लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को डिफाइन करने में रहते हैं कि हाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये है, मिशन ये है, हम इस स्ट्रैटेजी को अपना के क्या करेंगे, हम अपने गोल्स को जो है वो अचीव करेंगे। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर डिफाइंस द विजन and mission for the future। कि अभी हमने प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर में इसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पे ना इनपुट आउटपुट की बात हो रही है कि कितना इनपुट हमने लगाना है, उससे हमें कितना आउटपुट मिलेगा, या फिर ना यहाँ पे इन्वायरमेंट एनालिसिस की, इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमें चलना है, या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस क्या है, यहाँ पे किसी की बात नहीं चल रही। यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, हम प्लानिंग करते हैं, अभी हमने प्लानिंग कर लिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है, विजन ये है कि हाँ हमें इस चीज को इतने दिन में कंप्लीट करना है ताकि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। प्लानिंग तो हमने कर ली, बट उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। जब हम प्लानिंग कर लिए, स्ट्रैटेजीज हमने बना ली, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एंड जब यहाँ पे ब्रॉड कंसेप्ट आ जाता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ब्रॉड कंसेप्ट, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, तो याद होगा आप लोगों को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, of defining its strategy or direction and making decisions on allocating its resources to attain strategic गोल्स। हमें हर एक चीज दे दी गई है, हमें बस हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, बस किस चीज को कैसे यूज करना है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी है, हमें प्लान्स बनाने हैं, हमें फॉर्मुलेट तो कर लिया बट उसे अब इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, a manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his or her case. Which principle is being discussed in this line? Division of work, unity of command, unity of direction, authority and responsibility, या फिर E discipline। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बात हो रही है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, एंड उनमें से ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। ओके, सॉरी, तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए लेट्स सी, When we talk about division of work, division of work क्या हो जाता है? हेनरी फ्योल का ये कहना था कि कोई भी काम कराओ तो according to his or her specialization, according to his or her experience। जो बंदा जिस चीज़ पे specialized हो, expertise हो, experience हो, उस हिसाब से उसको काम दे दिया जाए ताकि वो काम वो अच्छे से कर पाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पाए, स्पीडली करे वो काम, कम टाइम पर करे, रिसोर्सेज भी कम वेस्ट करे, एंड ईजिली ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स भी जो है वो अचीव होंगे, एंड प्रोडक्टिविटी भी, प्रोडक्शन वर्क भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्पेशलाइजेशन वर्क को डिवाइड कर दो। सेकेंड कम्स यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो जाता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स भी होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज भी होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर सुपीरियर्स होते हैं। तो यहाँ पर बोलना है कि सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए उसे कमांड करने के लिए। अगर बहुत सारे सुपीरियर्स रहेंगे वहाँ पे तो मैनेजर्स क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सुने इसका सुने इसका सुने। सो देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट। That is unity of command. Unity of direction क्या हो गया? When we talk about unity of direction, it talks about a leadership कि मान लो कोई एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक ही लीडर डायरेक्ट करेंगे, एक ही लीडर जो है वो लीड करेंगे ताकि उन्हीं के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को चलाए। मान लो एक ग्रुप में 10 एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप में 10 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि 10 डेज में इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस ग्रुप के जो लीडर है वो एक ही रहेंगे एंड जो लीडर है वो इस टोटल ग्रुप को गाइड करेंगे, इसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करेंगे। दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। Then comes authority and responsibility. When we talk about authority and responsibility, तो मान लो कोई भी एक particular इंसान को अगर आपने responsibility दी है कि हाँ ये जो काम है मुझे इतने देर में चाहिए, आपको कैसे करना है खुद या दूसरे से करवाना है मुझे नहीं पता, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे ये काम इतने देर में चाहिए। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी उसे, बट क्या आपने अथॉरिटी दी कि नहीं वो काम मुझे कैसे भी कराओ, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दो, आपके पास वो राइट है, राइट टू पनिश। अगर वो कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो आपके अंदर वो पावर है उसको पनिश करके मुझे वो काम चाहिए। तो इफ़ यू आर गिविंग समवन अ वर्क तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपको अथॉरिटी भी दी गई है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों आपको दी गई है, उस हिसाब से आपको चलना है। इस वजह से हम कहते हैं ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे, दैट इज डी। यहाँ पे मैनेजर को हर एक राइट दिया गया है, मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट को पनिश करने का उसका फुल हक है, ठीक है, बट आपको सबऑर्डिनेट का सुनना भी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे सुनो, ठीक है, नाजायज उसे आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट अवेइंग अ लेगिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू अ सबऑर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस। आपको ये राइट है, आप उसे पनिश दो, लेकिन पनिश देने से पहले आप उसकी केस तो सुनो, नाजायज पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजर को दोनों चीजें दी गई है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज डी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, इट गोज हैंड इन हैंड। अथॉरिटी मीन्स क्या हो जाता है, एक राइट दी जाती है, आपके ऊपर आपको एक पावर दी गई है कि आप किसी को भी कुछ भी ऑर्डर दे के काम करा सकते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसरेबिलिटी, आपको आंसर देना है। Thus, to whomsoever the authority is given to exact obedience must be held accountable for anything that goes wrong. तो अगर किसी के पास authority है तो उसकी responsibility भी है, दोनों it goes hand in hand। चलो next, planning lays down the overall objective, strategies and policies for the total enterprise is called dash corporate planning, division planning, unit planning, department planning या फिर none of the above। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग लेज डाउन दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, मिशन विजन स्ट्रैटेजीज बनाना है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिविजन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग या फिर ई नन ऑफ दी अबव। यस इट इज व्हाट, कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली फॉर दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की मिशन क्या है, उसकी विजन क्या है, हमें ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, हमें ऐसे कौन से पॉलिसीज बनाने चाहिए फॉर दी ग्रोथ, फॉर दी डेवलपमेंट, फॉर दी एक्सपेंशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक दी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल, दैट इज कॉर्पोरेट प्लानिंग। यहाँ पे डिविजन्स प्लानिंग नहीं हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट की प्लानिंग नहीं हो रही, या यूनिट प्लानिंग नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट की प्लानिंग नहीं हो रही, अलग अलग डिविजन्स की प्लानिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कॉर्पोरेट प्लानिंग हो रही है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, corporate plan. ये क्या है? It is a process used by businesses to map out a course of action to grow, increase profit and gain exposure. यहाँ पे business की survival की बात हो रही है, survival की बात हो रही है, profitability की बात हो रही है and तीसरी चीज क्या बात हो रही है? Growth की बात हो रही है. Okay? चलिए next. ठीक है. The following are the steps of management process. These are the following. आपको following the management process का आपको दे दिया गया है 4 main steps. ठीक है. Sequential wise आपको उस पर step by step कौन सी चीज़ पहले आएगी वो चीज़ आपने decide करना है. ठीक है. Options पहला है taking corrective actions from standard, B establishing standard, third measuring actual performance, fourth comparing performance against standard. So select the correct sequence of these steps from the course given below. A 1 2 3 4, B 2 3 4 1, C 3 4 1 2 या फिर D 2 4 1 3. ये basically जो question है basically it is a question from controlling. Controlling का question है ये. ठीक है. अगर आपको कंट्रोलिंग जो कंसेप्ट है, फुल कंसेप्ट कंट्रोलिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर वो चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. इट इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन आई कैन से. ठीक है. क्या होने वाला है? फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लो किसी कंपनी को, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड मेरी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है एंड मैंने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के लिए 30 T-shirts बनाने दिए हैं किसी टेलर को. ठीक है. टेलर को, अब इस टेलर का काम क्या है कि एक टी शर्ट वो क्या है पहले बना के दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएगा कि सर ऐसा टी शर्ट है, क्या ऐसा ही होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड यही है, यूनिफॉर्म है, हर एक चीज़ सेट है, या फिर इसमें सर्टेन चेंजेस हैं, चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है अगर उसने कह दिया कि हाँ परफेक्ट टेलर है, परफेक्ट टी शर्ट है, बेस्ट टी शर्ट है, आपने बहुत अच्छा टी शर्ट बनाया है, अब इसके अकॉर्डिंग ही आपने जितने भी सारे टी शर्ट है वो बनाना है, तो यहाँ पर टेलर को क्या मिल गया? एक स्टैंडर्ड मिल गया है, एक स्टैंडर्ड मिल गया है कि हाँ मुझे ये टी शर्ट का स्टैंडर्ड मिल गया है, अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे जितने भी 29 T-shirts बनाने हैं, इसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है उसके ऊपर. तो एक टी शर्ट उसको बनाने में इतना टाइम लगा जितना टाइम लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जितना भी टाइम लिया उसने एक टी शर्ट बनाने में, उसको स्टैंडर्ड उसका मेनटेन कर लिया उन्होंने, यूनिफॉर्मली अपना काम किया है. बट जब वो नेक्स्ट 29 T-shirts जब वो बनाएंगे तो क्या उनको टाइम लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक उन्होंने बार सेट कर दिया है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें बाकी के टी शर्ट्स बनाने हैं. सो ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. बाकी क्वेश्चन, अगर आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर पाओगे, स्पीडली कर पाओगे, कम टाइम में करोगे, वेस्टेजेस कम करोगे, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लाकर दोगे एंड इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका कम होगा. तो अब आप मुझे बताओ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. पहले जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करते हैं, है ना. पहले उसका स्टैंडर्ड हम स्टैब्लिश करते हैं कि हाँ एक स्टैंडर्ड हमने टी शर्ट का सेट कर लिया, अब इसी अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट 29 T-shirts बनाने हैं. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? हम उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि हाँ उसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, परफॉर्मेंस में अगर वो टी शर्ट बना रहा है तो टी शर्ट बनाने में उसने अपना एक्चुअल 110% दिया है कि नहीं, बेस्ट अगर दिया है तो तभी तो वो बेस्ट है ना. उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे. देन थर्ड हमारा क्या हो जाता है? कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड. जब एक टी शर्ट बनाकर वो ले आता है फिर हम दूसरे टी शर्ट में उसे कंपेयर करेंगे कि क्या वो टी शर्ट उसके अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी है. एंड देन लास्ट आ जाता है, अगर नहीं बनी है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड. उसके बाद ये आ जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? दैट इज बी, 2 establishing standard, then measuring actual performance, then comparing performance against standard, and then taking corrective actions from the standard. So it's a correct option 2, 3, 4 and 1, है ना. चलिए next, last one. In staffing function, which combination of activities in sequential order is correct? तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑर्डर में दिया हुआ है, आपको इसका सीक्वेंस देखना है. ठीक है. ऑप्शंस आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, बी सिलेक्शन ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट, सी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग, या फिर डी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन प्लेसमेंट. यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. आई कैन से सिक्वेंशियल वाइज आपको इसको हैंडल करना है. तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? दिस इज क्वेश्चन बेसिकली इज फ्रॉम स्टाफिंग फंक्शन. पहले स्टाफिंग या फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले कौन कौन सी चीज करते हैं. चले अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो आई कैन से बी एंड डी तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है. बी एंड डी तो शेट ओके कोई बात नहीं. बी एंड डी इज टोटली इनकरेक्ट. समझने की कोशिश कीजिएगा, भले आप लोगों ने आंसर देख लिया ओके वो मेरी गलती है कि गलती से वो आगे चला गया, बट बी एंड डी तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो जब हम बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाता है? दैट इज रिक्रूटमेंट. बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक स्ट्रीम के लोग आते हैं, वेदर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या उन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है. बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए आते हैं, पहला स्टेप. ठीक है, देन सेकेंड क्या हो जाता है? उन जितने भी सारे लोगों को हमने बुलाया है, क्या वो सारे लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं या उसमें से कुछ सेलेक्टिव पीपल को हम सेलेक्ट करते हैं? कुछ सेलेक्टिव वंस को सेलेक्ट करते हैं ना, जिसके अंदर वो स्किल्ड है, वो नॉलेजेबल, वो एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है, जो क्रिएटिव आइडियाज देते हैं. तो बेसिकली उन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चल सकता है. तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेप, दैट इज सिलेक्शन. थर्ड क्या हो जाएगा गाइज? थर्ड कौन सा हो जाएगा? वेन वी टॉक अबाउट थर्ड, तो क्या पहले इन लोगों को सेलेक्ट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा या पहले प्लेसमेंट दिया जाएगा? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले उसे प्लेसमेंट दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है, ये पर्टिकुलर बंदा है, वो कौन से डिपार्टमेंट में सेट कर जाता है, बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट के लिए एक्चुअली ये स्किल्ड है, ये नॉलेज की जो आइडियाज़ है, वो इसकी जो नॉलेज है, वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए सेट है. पहले हम उसको प्लेस देंगे, सुटेबल प्लेसमेंट उसकी करेंगे, उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि वो चीज़ जो है, जिस डिपार्टमेंट पे मैंने उसे सेट किया है, उस चीज़ के ऊपर उसको और ट्रेनिंग देंगे ताकि वो उस वर्क को और अच्छा से अच्छा कर पाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एंड ट्रेनिंग के बाद और एक वर्ड आ जाता है, क्या हो जाता है? दैट इज डेवलपमेंट, है ना. तो यहाँ पे ए भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. पहले हम रिक्रूट करते हैं, फिर सेलेक्टिव लोगों को चूज करते हैं, उसके बाद उसे प्लेस करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद फिर डेवलपमेंट. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज सी. स्टाफिंग प्रोसेस क्या हो जाता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, अप्रेजल एंड रेम्यूनरेशन. सो दिस इज द टोटल फुल प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ठीक है ओके गाइज, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर ओवर होता है. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो डू लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन, में आपको आंसर करूँगी. तो थैंक यू एवरीवन. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे. मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी फॉर योर एग्जामिनेशन. चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरीवन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सेबी एंड पीएफआरडीए, सेबी एंड पीएफआरडीए का कॉम्बो कोर्स अभी यहाँ पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है गाइज, तो गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.